इस वीडियो में सीखेंगे आप पुरानी साइड को काटकर एक सुंदर सी गर्ल्स टॉप बनाना। और इसे बनाना मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से पूरा देखिए, जिससे आपको बनाने में आसानी होगी और ये टॉप आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप जिस साइड से बनाना चाहते हैं उस साइड को उठा लीजिए और उस पर अच्छे से प्रेस कर लीजिए, फिर हम कटिंग करेंगे। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसे कि मैं इस साइड से बना रही हूं और इसको मैंने फैला कर रख दिया है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसकी आस्तीनों की कटिंग करना है। तो जहां से इसके कप का जॉइंट खुला हुआ है उधर से ही हम कपड़े को काट कर निकाल देंगे इस तरह। तो कप के पास से ही आपको सीधे कपड़े को काट के निकाल देना है। इस तरह आप आस्तीनों की कटिंग कर दीजिए। उसके बाद अब आपको कटिंग करनी है गले की। तो यहाँ पे जो गले की साइज है उसके बराबर से आपको इस तरह निशान बनाना है, और यहाँ पे आप कम से कम 1.5 इंच कपड़े को छोड़ दीजिए। इस तरह आप इंची टेप से चेक कर लीजिए। आस्तीन से 1.5 इंच कपड़े को आपको छोड़ना है और इस तरह निशान बना लेना है। तो गले के बराबर से इसका बॉक्स बनाना है। इस तरह बॉक्स बना दीजिए और सीधा मिलाते हुए इस साइड आइए और यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। तो 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ दिया और इस तरह इसका बॉक्स बना दिया। अब यहाँ से आपको गुलाई देनी है इस तरह। इस तरह इसको गुलाई से कर दीजिए और सेम निशान पर ही काट कर आपको निकाल देना है। तो इस तरह गले की कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस बटन को खोल कर रखना है इस तरह, और 1 इंच के हिसाब से यहाँ से तिरछा ले जाना है आपको, और यहाँ से इसकी लंबाई रखनी है 2 इंच। तो इस तरह इसका डिजाइन का लुक आ जाएगा, और इधर से भी आपको 1 इंच रखना है। तो इस तरह आप चेक कर लीजिए। इसी शेप में हम इसको काट देंगे। तो जब इस तरह आप काटेंगे तो यहाँ पे एक सुंदर सा लुक आ जाएगा। उसके बाद अब आपको यहाँ से अपनी टॉप की लंबाई का निशान लगाना है। आप जितनी लंबी बनाना चाहते हैं उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसकी लंबाई रख रही हूँ 22 इंच, तो इसका निशान लगा देंगे 23 इंच पर। तो 1 इंच हो जाएगा इलास्टिक में फोल्ड करने के लिए, तो 1 इंच का ही मार्जिन हो जाएगा। तो 23 इंच की लंबाई हमने इस साइड से रखी है और 23 इंच की ही लंबाई आपको इस साइड से भी रखनी है। इस तरह आप निशान बना लीजिए। अब इस निशान को सीधा करना है, इस तरह सीधा कर दीजिए और सीधे कपड़े को काट कर निकाल देंगे। तो इस तरह आप अपनी फिक्स लंबाई को रखिए और जितनी भी साइड की एक्स्ट्रा लंबाई है उसको काट के निकाल दीजिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें से कुछ तिरछी पट्टियां निकालना है। तो इस तरह स्किल को रखिए और यहाँ से तिरछी पट्टियां निकाल लीजिए और इसकी चौड़ाई रखिए 1.25 इंच। आप चाहें तो इंची टेप से भी चेक कर सकते हैं। इस तरह नाप कर देख लीजिए और फिर निशान लगा लीजिए। इस तरह हम पट्टियों को निकाल लेंगे। इसी तरह हम कुछ पट्टियां इस साइड से भी निकालेंगे। इस तरह आपको तिरछी पट्टियां निकालना है। तो इस तरह आप कुछ तिरछी पट्टियों को निकाल लीजिए जो गले बनाने में यूज होंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि इलास्टिक निकालनी है। इलास्टिक आपको इस तरह निकालनी है। इलास्टिक को उठाइए और अपने हाथ के साइज में मिलाकर देख लीजिए इस तरह। इस तरह मिलाना है और इसी निशान से काट लेना है। इस तरह पकड़ना है और इलास्टिक को काट लीजिए। अब इसी तरह हमें दूसरे हाथ के लिए इलास्टिक को निकालना है। तो ये इलास्टिक हो गई है दोनों हाथों के लिए। तो अब आपको इसी तरह कमर की गुलाई को चेक करना है और इलास्टिक को निकाल लेना है।
तो ये मैंने निकाल ली है कमर के हिसाब से इलास्टिक को, इसी तरह आपको निकालनी है। अपने कमर में लगा कर देखिए, जितना आपको सही आती है उतना काट कर निकाल लीजिए। अब हम सिलना शुरू करेंगे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी सीख सके। तो सबसे पहले आपको इलास्टिक पर सिलाई डालनी है। इस तरह इलास्टिक को रखिए और इस पर दो तीन सिलाई अच्छे से स्ट्रॉन्ग डाल दीजिए। इसी तरह सिलाई हमें इस पर भी डालनी है। इस तरह आपको पकड़ना है, तो इस तरह आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई इसमें दो तीन बार चलानी है, जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरह आपको अच्छे से इलास्टिक में सिलाई डालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आस्तीन उठाना है और एक इलास्टिक को उठाना है। आस्तीन वाली इलास्टिक को उठा लिया है, अब आपको इसके अंदर रखना है। इस तरह रखिए और कपड़े को इस तरह फोल्ड कर दीजिए। पहले थोड़े से कपड़े को फोल्ड करना है, इस तरह पहले थोड़े से कपड़े को फोल्ड किया। आप चाहो तो इस पे एक सिलाई भी डाल सकते हो। इस कपड़े पे पहले एक सिलाई डाल लीजिए, जिससे आपको सामान लानी पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इस कपड़े को फिर फोल्ड कर दीजिए, तो ये डबल फोल्ड हो गया है। तो सिलाई आपको कपड़े के ऊपर किनारे से चलाते जाना है और इलास्टिक पर आपको मशीन नहीं चलानी है। बस सिलाई आपको कपड़े के किनारे से चलाते हुए पूरे को कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको इलास्टिक डालकर इसको कंप्लीट करना है। इसी तरह आस्तीन हमें दूसरी कंप्लीट करना है, तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने दूसरी आस्तीन को भी तैयार कर लिया है। तो अब आपको इसमें नीचे की साइड इलास्टिक डालनी है। यहाँ पे आप पहले देख लीजिए कि यहाँ से आपको सिलाई डालनी है कम से कम 2 इंच तक। सीधी सिलाई को डाल दीजिए, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ तक डाल दीजिए। तो इस तरह आपको पकड़ना है, इस तरह ऊपर के पार्ट को पकड़िए और इसमें सिलाई डाल लीजिए। तो इस तरह आपको आगे के पार्ट में इसमें सिलाई डालना है, जिससे ये जॉइंट हो जाएगा और फिर आपको इलास्टिक डालने में आसानी होगी। और यहाँ पर तो इसके बटन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको सिलाई नहीं डालना है, बस आपको सिलाई यहीं तक डालनी है। तो इलास्टिक को आप एक बार अच्छे से फिर समझिए कि आपको पहले कपड़े को थोड़ा फोल्ड करना है इस तरह, और फिर इलास्टिक को इस तरह रखिए और इस कपड़े को इलास्टिक के ऊपर पलट देना है। इस तरह कपड़े को पलटना है और किनारे से सिलाई डालते जाना है। सिलाई आपको इलास्टिक पर नहीं डालनी है, बस इस तरह पकड़िए और सिलाई को चलाते जाइए और इलास्टिक आपकी घूमे नहीं, बस आपको संभालते हुए सिलाई डालते जाना है इस तरह। तो इस तरह आपको नीचे की साइड इलास्टिक डालकर इसको कंप्लीट करना है। अब हमें बनाना है गला। तो गला बनाने के लिए आपको क्या करना है कि इस बटन को काट के निकाल देना है। एक बटन को काट कर निकाल देंगे इस तरह। अगर बटन बीच में आता है तो उसको काट दीजिए और इस तरह इसकी सेटिंग कर लीजिए। अब आपको उठाना है तिरछी पट्टी और इसके ऊपर मिलाकर इस तरह रखना है। इस तरह रखिए और नीचे की साइड कपड़े को बढ़ाते हुए 1/2 इंच कपड़े को बढ़ा लीजिए और इसको काट दीजिए। अब आपको बस इस पर सीधी सिलाई डालनी है। इस तरह सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको इसमें सीधी सिलाई डालनी है। इसी तरह पट्टी हमने इस साइड भी लगा दी है। तो अब आपको क्या करना है कि इस पट्टी को इस तरह पकड़ना है। इस बड़े हुए कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कीजिए और ऊपर से 1/2 इंच इस तरह फोल्ड कर दीजिए। इस तरह पट्टी को बनाते हुए फिर इसको पलट दीजिए और बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देनी है और इसी तरह हमें इसे भी कंप्लीट करना है।
तो इस तरह आपको पट्टी पर सिलाई डालनी है। इसी तरह हमने पट्टी इस साइड भी बना दी है। अब आपको क्या करना है कि इसको इस तरह पकड़ना है, इसी पट्टी के बराबर से इसको मिला लीजिए और इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आप सिलाई को डालिए कि जिससे इसका जॉइंट यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके जॉइंट को लगाना है। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है जिससे दोनों जॉइंट हो जाएंगे और यहाँ पर भी का शेप आ जाएगा। उसके बाद अब आपको उठाना है तिरछी पट्टियाँ और उसको जॉइंट करना है। तो ये उठा ली हमने तिरछी पट्टियाँ, अब इस तरह मिलाइए और इसमें सिलाई डाल लीजिए। इसी तरह सिलाई डालकर हम सारी पट्टियों को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह आपको पट्टियों को ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करने के बाद इस कपड़े को आपको खोल देना है इस तरह, जिससे कपड़ा एक साइड से मोटा नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आप कपड़े को खोल दीजिए कि कपड़ा दोनों भाग में रहेगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि एक साइड से हम लगाना शुरू करेंगे, उसके साइड पे भी आपको सिलाई डालनी है। इस तरह डबल कपड़े को फोल्ड कर लीजिए और उस पर सिलाई डाल लीजिए। अब बस मिलाते हुए रखिए, इस तरह मिलाते हुए रखना है और इस पर सिलाई डालते जाना है। मिलाते जाइए और सिलाई को डालते जाइए। इस तरह मिलाते हुए आपको पूरा कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो इस तरह आपको पूरे गले में पट्टी लगाना है और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ की सिलाई आपको इस तरह डालनी है, कपड़े को फोल्ड कर उसके ऊपर सिलाई डाल दीजिए, जिससे पट्टी का कपड़ा बाहर की साइड दिखाई नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, पीछे की साइड इसको पलट लेना है। इस कपड़े को थोड़ा सा पलटिए इस तरह और फिर इसको पलट दीजिए। तो ये डबल फोल्ड हो गया है। अब आपको बस इसके किनारे से सिलाई डालते जाना है। इस तरह पट्टी को मिलाते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए। इस तरह संभालते हुए पूरे गले को कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको गले में पट्टी लगाकर इसको कंप्लीट करना है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है कि एक डोरी लेना है और गले में इसमें डाल देना है, जिससे गला कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप जितने साइज का गला रखना चाहते हैं उतना आप कंट्रोल में रख सकते हैं। तो ये ले ली मैंने डोरी और सेफ्टी पिन की मदद से इसमें हम डाल देंगे। और डोरी बनाना तो मैंने पहले आपको सिखाया है, अगर आपने नहीं सीखा है तो आप मेरी चैनल राधिका ट्यूटोरियल्स पर जाकर सीख सकते हैं। अब आपको बस पिन इसके अंदर डालते जाना है, जिससे डोरी इसमें डल जाएगी। तो इस तरह आपको इसमें डोरी डालनी है। डोरी डालने से अब आप जितना इसको छोटा करना चाहें उतना आप इसको खींचिए। जैसा आप खींचेंगे ये छोटा होता जाएगा। तो इस तरह आप अपने पसंद के हिसाब से गले को रख सकते हैं और इसमें एक सुंदर लुक भी आ जाता है इस तरह। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे की साइड कुछ लटकन लगा देंगे। आप लटकन भी लगा सकते हैं या पोम पोम लगा सकते हैं। तो इस तरह हम दोनों डोरी में एक एक पोम पोम लगा देंगे। इसके लिए आपको सुई धागा लेना है और नीचे की साइड से इस तरह करते हुए इसके बीच सेंटर से सुई को निकालेंगे और ऊपर की साइड निकाल देंगे। तो इस तरह हमने इसमें पम्पम ज्वाइंट कर दिया है। अब इसी तरह हम इसको भी ज्वाइंट कर देंगे। तो इस तरह पुरानी शर्ट को काटकर एक सुंदर सी गर्ल्स टॉप बनकर तैयार हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अब आप किसकी शर्ट को काटकर अपने लिए टॉप बनाने वाले हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए,
कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढने नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।